एम श्योर इस वीडियो को आपके देखने के बाद आपकी इंटरनेट स्पीड तो बढ़ ही जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आपकी 10G 5G कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आपकी इंटरनेट स्पीड आज मैं बढ़ा के रहूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट में लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। डाटा सेविंग मोड की हेल्प की वजह से आप बहुत सारे टाइम बचा सकते हैं और स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं। आपको इंटरनेट की स्पीड अच्छी पानी है तो डाटा सेविंग मोड में जाके आपको जिस एप्लीकेशन की ज़रूरत है उसको अलाउ कर दीजिए, बाकी को डिसेबल। इससे आपकी नेट की स्पीड अच्छी मिलेगी। बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। आपके फ़ोन में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन जो पीछे बैकग्राउंड डाटा खाती हैं। आप अननेसेसरी एप्लीकेशन को हटा भी सकते हैं और उनका पीछे बैकग्राउंड डाटा भी हटा सकते हैं। उसको एप्लीकेशन फॉर्मेशन में जाके उसकी आप स्टोरेज यूजर्स में जाके उसका बैकग्राउंड डाटा ऑफ कर दीजिए। इससे आपका पीछे डाटा नहीं खाएगा तो आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी आएगी। क्रोम खोल लेना। क्रोम खोलने के बाद ऊपर आपको तीन डॉट दिख रहा होगा। तीन डॉट के बाद क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। सेटिंग का ऑप्शन में जाने के बाद आपको साइड सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं आपको स्टोरेज का ऑप्शन दिखेगा। स्टोरेज का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके पीछे साइट्स रन करनी होंगी, उसको आपको क्लियर कर देना है पूरा। जैसा आप कुछ गूगल पे सर्च करते हैं तो क्रोम पे डायरेक्ट पेज ले जाता है, तो क्रोम पीछे साइड रन क्रिएट करा करती हैं तो आपको उसको डजनी प्रोफेशनल मेक यू शेक योर कैट्स थैंक यू इट इज टेक इट पर्सनल लाइक अ कनाडा टाइप दैट्स